हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, और जिसमें हम साथ में वर्तमान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करते हैं, जिसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है भूगोल। इससे पहले हम संविधान के और इतिहास के देख चुके हैं, और ये भूगोल की सीरीज हमारी अभी चल रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1995 और 2014 में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर गुजरात होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर भारत है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा भारत का मैप बना के आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से बन गया है। ये हमारा यहाँ पर भारत है ना। तो ये यहाँ पर यदि बात करते हैं, और इधर जो हमारे यहाँ पर द्वीप समूह है, तो ये द्वीप समूह और सभी के तटीय रेखा की अगर लंबाई की यदि बात करें तो वो हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और केवल गुजरात की तटीय रेखा की बात करें तो 1214.70 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यदि मुख्य भूमि की बात करें, जैसे कि मुख्य भूमि क्या होती है, यहाँ से तटीय रेखा हमारी स्टार्ट होती है गुजरात से, तो ये मुख्य भूमि हो गई हमारी यहाँ से लेकर, तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये यहाँ तक यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये है 5422.6 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम पूरे द्वीप समूह को भी ये इसमें शामिल कर लेते हैं, तो द्वीप समूह को शामिल करने के बाद 7516.6 किलोमीटर है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंडमान व निकोबार है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कहाँ स्थित है। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आया था, तो 1993 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि बंगाल की खाड़ी में द्वीप, तो ये द्वीप नहीं है, ये द्वीप समूह है, यानी बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है। जैसे अंडमान निकोबार की यदि बात करते हैं तो बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किस द्वीप का उद्गम, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो द्वीप है वो है यहाँ पर बेरन द्वीप। तो बेरन द्वीप जो भारत का है वो विस्फोट से इसका उद्भव हुआ है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में ये स्थित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, 1990 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, वो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो ये केवल 32 किलोमीटर है, यानी सभी द्वीप समूह में सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें अभी जो वर्तमान की यदि बात करते हैं तो 10 यहाँ पर आबाद द्वीप है, यानी कि जो अभी जितने भी यहाँ पर द्वीप है उसमें से केवल 10 ही यहाँ पर आबाद है, बाकी यहाँ पर आधे डूब चुके हैं या फिर कोई उनका सिर्फ सिरा ही दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 10 यहाँ पर एज इट इज वैसे की वैसे ही हैं। नेक्स्ट है कि सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है, 2012 का एक क्वेश्चन है। तो जो सर्किक विवाद है तो वो किन दो देशों के मध्य है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सर्किक की यदि बात करते हैं तो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में ये स्थित है, और ये एक दलदली क्षेत्र है, और भारत पर अभी भारत का वर्तमान में अभी इस पर कब्जा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लातूर किस प्रांत में है, 1996 का एक क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों लातूर है वो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का ये एक जिला है। 1996 में जो पूछा गया था ये क्वेश्चन, महाराष्ट्र का ये एक जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, और ये पुराना क्वेश्चन है, अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो अभी आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी किस प्रकार के क्वेश्चन अब आ सकते हैं या बन सकते हैं। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे बड़ा है इसमें क्या है, राजस्थान है, यानी पहला क्या आएगा यहाँ पर, राजस्थान पहला फर्स्ट पे आएगा राजस्थान, और उसके बाद में सेकंड की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड पे आएगा महाराष्ट्र, और थर्ड पे आएगा दोस्तों कर्नाटक, और यहाँ पर फोर्थ पे आएगा कौन सा, तमिलनाडु, और अभी फिफ्थ पे जो फिफ्थ पोजिशन है तो वो किसकी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। देखिए राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने 2019 का ही क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो जिसमें सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो उसका राइट आंसर था 5, यानी इनमें से कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो ये राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों के भी आपको यहाँ पर नाम याद होना चाहिए, इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है, और बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, 29वें राज्य की राजधानी क्या है 2016 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है 2014 में, 2 जून 2014 में यहाँ पर तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो उन दोनों की अभी जो वर्तमान में राजधानी थी वो क्या थी, हैदराबाद थी, और अभी जो आंध्र प्रदेश है उसकी अमरावती राजधानी हो चुकी है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है, और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो केवल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ये सबसे छोटा है तो इसका हमें ये भी पता होना चाहिए कितने क्षेत्रफल है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों कि दमन एवं दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, 1991 का यह क्वेश्चन है। देखिए ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया, जैसे स्वातंत्र्योत्तर यानी मतलब स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश आधिपत्य था, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता कब मिली 1947 में, तो उसके बाद भी यहाँ पर ब्रिटिश का आधिपत्य था, तो ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ पर गलत हो जाती है क्योंकि ब्रिटिश का आधिपत्य नहीं था यहाँ पर, पुर्तगालियों का आधिपत्य था, क्योंकि ये जो था दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अधीन था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1961 में इसे आज़ाद करा था, पुर्तगालियों ने भारत को इसे सौंप दिया था, स्वतंत्रता के पश्चात भी ये पुर्तगालियों का इन पर यहाँ पर अधिकार था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, तो ये राइट है, और इसकी राजधानी दमन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी इन दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली को, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये है गोवा, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जबकि राज्य है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे बड़ी उस टाइम यदि क्वेश्चन की बात करें तो उस टाइम यहाँ पर गोंड थी, यानी गोंड सबसे बड़ी जनजाति थी। बाकी अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है यहाँ पर भील, और मध्य प्रदेश की भी अभी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो गोंड जनजाति है जनसंख्या के आधार पर वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का क्षेत्र है, ये तोड़ा है ना, तोड़ा जनजाति का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये है नीलगिरी पहाड़िया, नीलगिरी की पहाड़िया, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़िया कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि हिंदी के पश्चात, दोस्तों ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो हिंदी के पश्चात यहाँ पर बोली जाती है बंगाली, यानी बांग्ला भाषा जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे पहली हिंदी, फिर बांग्ला, और उसके बाद में यहाँ पर तेलुगु। तो ये तीनों भाषाओं का नाम आपको ध्यान रखना है, और 2005 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर देवप्रयाग, यानी इन दोनों का संगम ही आगे चलकर क्या बनता है, गंगा में परिवर्तित होता है, ये यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है, और आगे फिर इस नाम से यहाँ पर गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, और गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, और ये यहाँ पर बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेघना पद्मा इसका नाम रहता है, इधर से इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मिल जाती है बांग्लादेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ, देखिए गंगा नदी से इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि दाई ओर से कौन सी मिलती है और बाई ओर से कौन सी मिलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भागीरथी नदी निकलती है, तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो भागीरथी जो निकलती है ये निकलती है दोस्तों गंगोत्री से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यानी उसके सहायक नदी नहीं है, सिंपल सा इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सोन नदी, दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी है अमरकंटक के है ना, वहाँ से निकलती है, और जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि ये देखिए जैसे कि ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ये जैसे कि मध्य प्रदेश है, ठीक है अभी ठीक से बन नहीं रहा है, और ये यहाँ से निकलती है दोस्तों ये सोन नदी, और ये इस प्रकार से यहाँ पर जाके वो गंगा नदी में पटना में यहाँ पर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो यमुना होती है वो यहाँ पर इधर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी इधर से बहते हुए, क्योंकि यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यमुना यहाँ तक पहुँचती नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पर सोन कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में।
नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो दोस्तों ये है कैमूर, कैमूर और भांडेर श्रेणी दोनों कह सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कैमूर श्रेणी है। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो रीवा पन्ना और सिंगरौली सीधी ये टाइप का जो वहाँ का जो क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र पे यहाँ पर पड़ती है दोस्तों कैमूर श्रेणी। अगर मान लो ये बीच में देखिए, जैसे कि ये भारत हुआ है ना, ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ, ये भारत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यमुना यहाँ से आती है, तो यमुना ये इस इधर यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, और सोन नदी ये यहाँ से इधर मिल जाती है। अगर मान लो ये कैमूर श्रेणी यहाँ पर नहीं होती जो ये सोन है, तो ये सीधी यहाँ पर यमुना में जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? 2014 का एक क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, ये है सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य यहाँ पर स्थित है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी ऐसी बहती है और ऊपर होती है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में यहाँ नीचे होती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये आपको ध्यान रखना है, और दोनों के मध्य यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? 1993 का क्वेश्चन है, सबको पता है अमरकंटक से होता है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है, और साथ में गुजरात की भी लाइफ लाइन है। उसके बाद में इसकी जो पूरी लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 1077 इसकी लंबाई है, ये आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। ये है नर्मदा घाटी उदाहरण है, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है भ्रंस घाटी का, यानी ये भ्रंस घाटी में बहती है, ये क्या करती है, अपने आसपास के जितने भी पहाड़ होते हैं उन्हें काटते हुए और बीच में से यहाँ पर बहती है, यानी भ्रंस का यहाँ पर निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रंस घाटी में बहती है और एस्चुरी का यहाँ पर निर्माण करती है, इस प्रकार से एस्चुरी क्या होती है, जैसे समुद्र के किनारे ले जाकर यहाँ पर ढेर सारे कंकड़ पत्थर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, वो होती है यहाँ पर एस्चुरी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? 2000 का ये क्वेश्चन है, तो सन 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये है यहाँ पर पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये क्या होती है, उल्टी बहती है, यानी जैसे कि भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, इधर हमारा यहाँ पर हो गया क्या पूर्व और इधर हो गया पश्चिम, तो भारत की जितनी भी नदियाँ होती हैं तो वो अधिकतर इधर ही जाती है, यानी पूर्व तरफ, और ये जो पश्चिम में बहती हैं तो इन्हें कहते हैं कि ये उल्टी नदी बह रही है ना, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा ताप्ती और भी है बहुत सारी। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंतःस्थलीय नदी क्या होती है, जो मतलब कि कहीं कहीं तो बहती है और कहीं कहीं विलुप्त तो हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो घग्गर नदी है, इसका राइट आंसर है शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से ये इसका उद्गमन होता है, और भारत और पाकिस्तान दोनों में ये बहती है, और कहीं कहीं ये सूख जाती है, तो इन्हें इसीलिए कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी, यानी कहीं कहीं तो दिखाई देती है और कहीं कहीं पूरी सूख जाती है, उसके बाद में आगे से दिखाई देती है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2008 के कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया था और आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी? 2008 का ही क्वेश्चन है, और 2008 में ही यहाँ पर एक बाढ़ आई थी दोस्तों, ये है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का सोख कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है, ये चित्रकूट। चित्रकूट देखिए यहाँ पर सतना में भी है, बाकी जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो चित्रकूट जलप्रपात यानी झरना या वाटरफॉल हम जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर जिले में स्थित है, और उसके बाद में ये इंद्रावती नदी पर है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? 2016 का एक क्वेश्चन है। तो भेड़ाघाट कहाँ आता है दोस्तों? जबलपुर के अंतर्गत आता है, यानी जबलपुर जिले में आता है भेड़ाघाट। तो उसमें ये है धुआंधार जलप्रपात, और ये नर्मदा नदी पर बने हैं, नर्मदा नदी पर, और बाकी ये जलप्रपात भी यहाँ पर नर्मदा नदी पर ही है, दुग्धधारा और कपिलधारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सहस्त्रधारा भी नर्मदा नदी पर ही है। कयाल क्या है? 2017 का एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के देखिए, जैसे कि ये टर्मोलॉजी होती है, जैसे फिजिक्स की टर्मोलॉजी हो गई, उसके बाद में इकोनॉमी की, और जैसे कि जियोग्राफी की, तो इस प्रकार से जो टर्मोलॉजी होती है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो करंट में चल रही होती है, तो उस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर केरल के लेंगून कयाल, यानी इसे हम झील कह सकते हैं, ये छोटी छोटी झीलें होती हैं, इन्हें ही केरल में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है या लेंगून कहा जाता है।
अब केरल में दो महत्वपूर्ण लेगुन या कयाल या झीलें हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, एक तो अष्टमुदी और एक वेम्बनाड। वेम्बनाड झील है जहाँ पर हमारा जो सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो भी वहीं में स्थित है, वेम्बनाड झील पर, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानसून की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति हुई है, 2013 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो मानसून शब्द है वो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानसून यानी मौसम यानी ऋतु, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए अब हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा की सामान्य दिशा क्या है, 2012 का ये क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से लेकर, दोस्तों ये नहीं है इसका राइट आंसर, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर हमारी ये भारत की स्थिति है, देखिए इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो एरिया होता है ये होता है दक्षिण पश्चिम। तो ग्रीष्मकाल की यदि बात करते हैं तो इसमें जो मानसून का प्रवाह होता है वो इस टाइप से होता है ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल की यदि बात करते हैं तो ये उत्तर पूर्व यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और फिर जब शीतकाल जब आता है तो जब मानसून का जो प्रवाह होता है वो होता है यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में अधिकांश वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हिमालय हमारा स्थित है, तो मानसून क्या होता है इधर से यहाँ से टकराकर और यहाँ पर इधर ज़्यादा वर्षा करता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से यहाँ पर मौसम उठता है और यहाँ से टकराकर, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिमालय है तो यहाँ पर मानसून इसके आगे नहीं बढ़ पाती है, तो यहीं पर सारी वर्षा करा देता है और यहीं पर एक चेरापुंजी जो स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आप सभी को पता है मासिनराम मेघालय, मेघालय में, ठीक है। अभी मासिनराम हो चुका है, इससे पहले चेरापुंजी था। तो दोस्तों यहाँ हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके आगे भी हम लाते रहेंगे वीडियो, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर एमपी करंट अफेयर और भी नई नई सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा कंटेंट टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी हम जल्दी ही यहाँ पर सीरीज लाते रहेंगे। और ये इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, और आप लॉजिक लगा सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।